ठीक है, सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलूंगा। गुरु प्रकाश जी, आपको तो एसपी ने कह दिया कि भाई ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो आपने ये कहाँ पर बनाई? 11 अशोका रोड पुराने मुख्यालय में बनाई या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनाई? बता दीजिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्टीकरण कर दूं दीपक जी आपके शो के माध्यम से। जब बिल गेट्स ट्वीट करके तारीफ कर रहे हैं, वीजी सोमानी जो डीसीजीआई के चीफ हैं वो तारीफ कर रहे हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं, वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं, गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं 110% सुरक्षित है। सरकार की रणनीति सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 27 करोड़ जो भी कोमोर्बिडिटी के मामले हैं उन लोगों को लगना है। लेकिन तब भी देखिए कितनी तर्कहीन बात, कितनी आधारहीन बात, कितनी अवैज्ञानिक बात ये लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र की बातों को सुन रहा था, किस प्रकार वो भारत बायोटेक का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे कि बाबा की दवाई है। देखिए यही दुर्भाग्य है, जितने भी कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं ना, उनकी सोझी का पाश्चात्यकरण हो गया है, वेस्टनाइजेशन हो गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाते हैं इटली में छुट्टी मनाने, तो इनका जो पूरा दिमाग है वो वहीं वेस्ट में रहता है। भारत की जो भी चीज़ है ना, ये इनको नजर नहीं आती है, भारत में कुछ भी विशेषता इनको नजर नहीं आती, यही दुर्भाग्य है। कोविन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगभग 75 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वैक्सीन लेने को। आप सबका अपमान कर रहे हो, आप साइंटिफिक कम्युनिटी का अपमान कर रहे हो, आप रिसर्च फ्रेटर्निटी का अपमान कर रहे हो। देखो इसमें जब पूरे देश को साथ आकर के सेलिब्रेट करना चाहिए, एक खुशी मनानी चाहिए कि हम लोगों के हिस्ट्री में रिमार्केबल मोमेंट है ये, पहली बार। और ये कह रहे हैं फेज 3 की बात। अभी मिश्रा जी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। दीपक जी आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप वर्षों ट्रायल करते रहो, या दूसरा जो रास्ता है अपने लोगों की जान बचाओ, महिलाएं विधवा ना हो इसकी चिंता करो, बच्चे अनाथ ना हो इसकी चिंता करो। अभी भी ये लोग आर्ग्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं, मेरे समझ से परे हैं। अखिलेश जी खुद तो वैक्सीन ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम जाल फैला रहे हैं। राहुल जी खुद तो बाहर जाकर के वैक्सीन ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस में तो खुद ही 2 फाड़ हो गया है, यहां सुरजेवाला समर्थन कर रहे हैं, गौरव वल्लभ समर्थन कर रहे हैं, शशि थरूर विरोध कर रहे हैं। तो इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई कल्पना नहीं है, तो इनकी अवैज्ञानिक बात तो ठीक है। सीधे चलता हूं वैज्ञानिक तहसीम पूनावाला के पास। वैज्ञानिक तहसीम पूनावाला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सोच का अंतर है, समझ का अंतर है, या चूंकि मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है तो इसको भी बीजेपी की वैक्सीन बना दो, इसको अभी तमका उनके सर पर डाल दो वैज्ञानिकों को छोड़ के, क्या ये अवैज्ञानिक सोच नहीं है एक वैज्ञानिक तहसीम पूनावाला की? सर ये सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं, मैंने भारत बायोटेक का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने कहा फॉर ऑल यू नो भारत बायोटेक दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन होगी। मैंने मजाक उस बाबा का उड़ाया जिसने एक आयुर्वेदिक दवा निकाली, कोरोना को क्योर करने के लिए सारी न्यूज़ चैनल्स पे थे और उसने भी पेपर पब्लिश किया था। मैंने उस संदेप में बोला था, मैं भारत बायोटेक का मजाक नहीं उड़ाया था। मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर मिश्रा से पूरी तरह से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। डॉक्टर मिश्रा जी आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अनिल विज जे उन्होंने एक्चुअली वैक्सीन लगाया था वो भारत बायोटेक ने क्लैरिफाई किया था, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है। आप कौन होते हैं मजाक उड़ाने वाले? दीपक जी इनको शांत करिए, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। देखिए ऐसा है कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस लेकर के आप लोग जो मजाक उड़ाते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा चांस है, शांत नहीं है। देखिए गुरु जी, गुरु प्रकाश जी आपने बोला, तहसीम आप जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए। आपको किसने अधिकार दिया है मजाक उड़ाने का उनका? नहीं, ना किसी का मजाक ना उड़ाइए, बेहतर होगा। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए, और हर आदमी जो रोग से मुक्ति का प्रयास करता है वो मेरी नजर में महान है, क्योंकि बीमारी देना आसान है, बीमारी को दूर करना सबसे बड़ा मुश्किल काम, सबसे बड़ा मुश्किल काम तहसीम, चाहे वो भारत बायोटेक हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो माता पूनावाला हो। मेरा ये मानना है मारने वाले से बचाने वाला 100 गुना अच्छा होता है तहसीम भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप आगे बोलिए अपनी बात। यही अहंकार आप लोग को ले डूबा है। सर आई रिक्वेस्ट यू, बोलिए बोलिए आप बोलिए। यही अहंकार इनके पतन का कारण बन गया है, यही अहंकार इनको डुबाएगा। आप उनका फेडर डन कर दीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोलूं। ठीक है, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, आप बोलिए तो बोलिए। कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं करता आप सर, ये बाबा कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं करता। आप करिएगा, जो उसने कोरोना को लेकर किया तहसीन जी, समझे? आप एंकर नहीं है, शांत रहिए। आप नहीं तय करिएगा, आप कौन होते तय करने वाले? डाउन करिए और अप करिए।